तो देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं अखनी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसके लिए देखिए हमने ये 1 किलो चिकन लिया है, 3 प्याज कट कर लिए, 6 हरी मिर्च, 2 चम्मच जीरा, दालचीनी की लकड़ी, स्टार फूल, तेज पत्ते 3, और 1 बड़ी इलायची, 2 जावित्री के फूल। और ये पेस्ट हमने बनाकर देखिए तैयार कर लिया है। इसमें हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 10 से 12 लहसुन के जवे और 1 छोटी गांठ अदरक की, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हमने बना लिया है। तो देखिए हमारा सब सामान तैयार हो चुका है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। भगोना अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, इस तरह से हमें चला लेना है प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हमें डाल देना है गरम मसाले, और अब हम डाल देंगे इसमें चिकन। चिकन डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसे चला दिया है, और अब ये हरी मिर्च हमें इसमें डाल देना है। बहुत ही इजीली फटाफट अखनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, चिकन की अखनी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इस तरह से फ्राई करना है हमें चिकन को, देखिए इस तरह से। तो गाइज आप वीडियो लास्ट टाइम तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी जो अखनी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनती है। लास्ट टाइम तक इसे देखते रहे आप। तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा और डाल देंगे ताकि बोटियों के अंदर तक नमक आ जाए। और अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन जीरा सौंफ का पेस्ट, जिससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आने वाली है। ये देखिए ये पूरा हमें डाल देना है और अच्छे से इसकी भुंजाई कुछ टाइम तक कर लेना है हमें, इस तरह से हम चला लेंगे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। यकीन मानिए आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाने की इच्छा रखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से जल्दी जल्दी बन भी जाता है ये। तो सारी चीजों को हम अच्छे से चम्मच से मिला देंगे। अब इस तरह से हमें चम्मच से मिला देना है, चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ढक्कन लगाकर और इसे बंद कर देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया से फ्राई हो चुका है चिकन। तो कुछ टाइम तक हम चिकन को पकने देंगे ढक्कन बंद करके, और गैस को हमने स्लो ही किया है, तो स्लो करके ही हमें थोड़ा टाइम तक इसे पका लेना है, ताकि हमारी जो चिकन की पीस है वो बढ़िया से अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाए। देखिए कितना बढ़िया सा चिकन बनकर तैयार हो चुका है हमारा। और अब इसमें हम चावल डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है ये देखिए, देखिए। तो अब इसमें हम डाल देंगे चावल, अब इसमें डाल देंगे हम चावल। तो
हमारे पास घर के ही चावल है तो हम लोग घर के ही चावल यूज कर रहे हैं। आपके पास जो चावल अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो चावल ऐसे डालने के बाद हमें चम्मच से अच्छे से चला देना है। इस तरह से हमें चावल को और चिकन को बढ़िया से मिलाकर अच्छे से चला लेना है। और ये एक टमाटर है, इसे डाल देंगे हम। और इसमें अब हम एक जग पानी डाल देंगे। एक चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और चम्मच से अच्छे से हमें मिला देना है। पानी देखिए इतना डालना है कि हमारे चावल अच्छे से पानी में दिखाई ना दे ज्यादा। इस तरह से हमने इतना पानी डाल दिया है कि चावल हमारा अच्छे से पक जाए। तो अब 10 मिनट तक हमें ढक्कन बंद करके फ्लेम को हाई करके ढक्कन को बंद कर देना है और कुछ टाइम तक हमें इसी तरह पकने देना है। उसके बाद हम बीच बीच में हम देखते रहेंगे चावल को कि हमारे चावल नीचे से लग ना पाए। देखिए पानी पूरा अच्छे से चावल में पक चुका है, तो अब इसे हम दम में लगा देंगे कुछ टाइम के लिए। 5 से 10 मिनट तक हम इसे दम में लगा रखेंगे, इससे हमारे चावल सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया से अखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है चिकन की। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी चिकन की अखनी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस कितनी बढ़िया सी अखनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।